सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माई चैनल। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिमेंट थ्री के रिगार्डिंग। एंड गाइज, ये हमारी सीरीज का फोर्थ पार्ट है। अगर आपने इससे पहले प्रीवियस वीडियोज को नहीं देखा है सो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगा, ठीक है। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी लाइव फुटेज के अंदर हम कोई भी 3D ऑब्जेक्ट को कैसे प्लेस करते हैं, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वीडियो को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ और मैं बेसिकली यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ न्यू कॉम्पोजिशन। अब गाइस, सबसे पहले स्टेप हमें क्या करना है, हमें इस फुटेज को करना है ट्रैक, ठीक है। हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं एक 3D ऑब्जेक्ट। सो राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा देखने को ट्रैकर, आपको यहाँ क्लिक करना है। अगर सपोज दैट आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलते हैं सो इन दैट कंडीशन आप जाएं विंडो में और यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रैकर, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्रैक कैमरा के ऊपर और अभी हमारी यहाँ पे जो वीडियो है वो अभी एनालाइज हो रही है। सो यहाँ पे आपको परसेंटेज देखने को मिलेगी यहाँ पे कुछ इस टाइप से, इट मीन्स अभी इतने परसेंट हमारे यहाँ पे फ्रेम एनालाइज हो चुके हैं, ठीक है। सो वेट करते हैं, जैसे यहाँ पे 100% हो जाएगा तो आपको यहाँ पे कुछ ट्रैकिंग पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं गाइस, हमारे यहाँ पे ट्रैक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे कोई मॉडल को प्लेस करना है, ठीक है। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे एक्चुअल में जो प्लेन है वो कहाँ पे है, ठीक है। सो इतना पोर्शन हमारे यहाँ पे प्लेन का है जहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ आपको यहाँ पे सैंड टाइप का यहाँ पे दिख रहा है। सो सबसे पहले गाइस हमें यह देखना है कि हमें यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है। सो हम ग्राउंड के ऊपर अपने मॉडल को प्लेस करने वाले हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे गया और मैंने कुछ इस टाइप से जस्ट लाइक दिस और मैंने यहाँ पे जस्ट कुछ यहाँ पे इनको सेलेक्ट किया पॉइंट्स को। इसके बाद मैंने इसके ऊपर यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैंने क्रिएट किया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया क्रिएट नल एंड कैमरा, ठीक है। सो बेसिकली अभी हमने यहाँ पे एक कैमरा यहाँ पे ले लिया है और हमने यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया है नल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, अगेन मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे अगेन क्लिक किया कैमरा ट्रैक के ऊपर और मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को और यहाँ पे ले लिया, लाइक इस वाले पॉइंट को लिया क्रिएट नल, एक मैंने यहाँ से ले लिया क्रिएट नल और एक मैंने यहाँ से ले लिया क्रिएट नल और एक मैंने लिया यहाँ से। अब हमने यहाँ पे बेसिकली 5 यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट ले लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ एक नल ऑब्जेक्ट अगेन। सो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे न्यू नल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इस नल ऑब्जेक्ट को मैं लेके जा रहा हूँ टॉप में, ठीक है। इसके बाद जो भी हमारे यहाँ पे कैमरा है और नल ऑब्जेक्ट है हम इसको करेंगे पेरेंट इस नल 4 के साथ जो अभी हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, ठीक है। सो इट मीन्स अगर मैं इस नल को यहाँ पे मूव करता हूँ तो यहाँ पे बाकी के नल भी हमारे चेंज होंगे। उससे पहले हमें एक काम करना है, हमें यहाँ पे इसे कन्वर्ट करना है 3D में सो दैट हम यहाँ पे इसको XYZ एक्सिस में यहाँ पे मूव कर सके, ठीक है। इतना कर लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा एक्टिव कैमरा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा सबसे पहले टॉप, आपको यहाँ पे टॉप में क्लिक करना है। सो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, जो हमने यहाँ पे नल यहाँ पे क्रिएट करे थे अपने सीन से वो अभी हमारे यहाँ पे सीन से बाहर हैं, समझ रहे हो आप। जो नल ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किए थे इस वीडियो के अंदर से वो अभी हमारे इस पर्टिकुलर सीन से बाहर है और यहाँ पे कैमरे के बाहर है। तो सबसे पहले स्टेप हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है नल ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पे मैन्युअली क्रिएट किया था और इसके बाद एस प्रेस करेंगे, एस फॉर स्केल, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कर देंगे अराउंड 10, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसे जूम करता हूँ सो नाउ वी कैन सी जितने भी हमारे यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट थे वो हमारे इस प्रॉपर सीन के अंदर आ गए हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। इसके बाद मैं गया यहाँ पे जस्ट फ्रंट व्यू में, इसके बाद यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आप मेक श्योर इसे कर लो टाइटल एक्शन सेव सो दैट यहाँ पे हम ये ग्रिड लाइन देख पाए कुछ इस टाइप से ये लाइन, ठीक है। इसके बाद आपको जस्ट कंट्रोल आर प्रेस करना है और यहाँ पे रूलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे और आपको जस्ट एक लाइन लेके आनी है यहाँ पे कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब गाइस इसके बाद हम क्या करेंगे, जस्ट अपने यहाँ पे अगेन सेलेक्ट करेंगे नल को और आर प्रेस करेंगे, आर फॉर रोटेशन, और इसको रोटेट करेंगे कुछ इस टाइप से नल को, ठीक है, कुछ इस टाइप से कर लेते हैं इसको और इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करेंगे। सो बेसिकली हमारा यहाँ पे फंडा ये होता है कि हमारे जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, लाइक जो भी हमने यहाँ पे नल क्रिएट करे हैं हमें उन नल को इस लाइन के ऊपर अलाइन करना पड़ता है जितना मैक्सिमम लेवल तक हम कर सकते हैं, हम उसको रोटेट करके कर सकते हैं, ठीक है।
सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं हो पाएगा। सो अभी हम इसको यहाँ पे इतना ही छोड़ रहे हैं, ठीक है। और अगेन अब मैं यहाँ पे गया एक्टिव कैमरा के ऊपर और इसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फिट। सो अगर मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट को ऐड करता हूँ, जस्ट यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया लाइक VFX, सो इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ 3D में, सो और इसको मैं कर रहा हूँ स्केल। सो नाउ वी कैन सी यहाँ पे टेक्स्ट हमारा प्रॉपरली अलाइन हो गया है ग्राउंड के साथ, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं प्लेन। सो अभी मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक अगेन राइट क्लिक न्यू सॉलिड और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ एलिमेंट, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे गया इफेक्ट में, यहाँ पे आपको मिलेगा वीडियो को पायलट, आपको क्लिक करना एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ सीन सेटअप के ऊपर। इसके बाद यहाँ पे मैं जस्ट गया इस वाले मॉडल के ऊपर और मैंने यहाँ से लिया एक प्लेन कुछ इस टाइप से, यहाँ पे ले लेते हैं। और यहाँ पे आपको गाइस देखने को मिलेगा अलाइनमेंट, आप इसे यहाँ पे कर दो बॉटम, इट मीन जो यहाँ पे इसका एंकर पॉइंट होगा वो यहाँ पे कुछ नीचे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद शेडो के लिए मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ एक प्लेन। सो यहाँ पे गया, जस्ट मैंने क्लिक किया प्लेन के ऊपर और इसका मैंने साइज यहाँ पे इंक्रीज कर दिया कुछ इस टाइप से, ठीक है। और इसे मैं शिफ्ट कर रहा हूँ नीचे। इसके बाद यहाँ पे मैं प्लेन की प्रॉपर्टीज को ओपन कर रहा हूँ और इसके यहाँ पे डिफॉल्ट मटेरियल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस वाले आइकन के ऊपर एडवांस में और यहाँ पे आप इसे कर दो मैट शेडो, ठीक है। ये हम क्यों कर रहे हैं, सो दैट हम यहाँ पे बाद में एक शेडो क्रिएट कर पाएं प्लेन के लिए, ठीक है। ऑन कर लेते हैं और अभी मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ ओके। सो गाइज यहाँ पे हमारा प्लेन यहाँ पे कुछ इस टाइप से आ गया है और अभी मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ डिलीट इस नल ऑब्जेक्ट को, ठीक है। सो जो भी हमारे यहाँ पे प्रीवियस प्रॉपर्टीज थी उनको वहाँ पे कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है गाइज, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एलिमेंट के ऊपर और यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ ग्रुप वन में और यहाँ पे इसकी पोजिशन को चेंज करता हूँ, सो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, आपको कभी भी इसकी पोजिशन आपको यहाँ से चेंज नहीं करनी है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल वे, मैं यहाँ पे अगेन राइट क्लिक कर रहा हूँ न्यू नल ऑब्जेक्ट और मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ इसको नीचे। अब मैं अगेन मैं अपने कैमरा एंड यहाँ पे जितने भी ट्रैक पॉइंट्स हैं इसको कर रहा हूँ पेरेंट इस नल ऑब्जेक्ट के साथ और सबसे पहले मैं इसे कर रहा हूँ 3D कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पे जस्ट मैं पी प्रेस कर रहा हूँ पी फॉर पोजिशन और मैं इसको लेके जा रहा हूँ जेड एक्सिस में कुछ इस टाइप से। और इसके बाद मैं यहाँ पे गया एलिमेंट के ऊपर और यहाँ पे आपको मिलेगा रोटेशन पार्टिकल्स रोटेशन और यहाँ से मैं शो कर रहा हूँ रोटेट कुछ इस टाइप से लाइक दिस। इसको यहाँ से मैं रोटेट कर रहा हूँ बट यहाँ पे जो उसकी पोजीशन है वो यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ नल ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है, कुछ इस टाइप से जस्ट लाइक दिस। थोड़ा सा इसे स्केल कर लेते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अब गाइस इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे इसे प्ले करता हूँ, सो नाउ वी कैन सी यहाँ पे जो हमारा 3D मॉडल है वो यहाँ पे प्रॉपरली अटैच हो गया ग्राउंड के साथ। अब अगेन मैं यहाँ पे गया एलिमेंट 3D के अंदर और यहाँ पे जाएंगे नीचे, यहाँ पे जाते हैं कुछ इस टाइप से रेंडर सेटिंग के अंदर और यहाँ पे आपको मिलेगा मैट शेडो एंड एम्बियंट ऑक्लूजन। आपको यहाँ पे एम्बियंट ऑक्लूजन को आपको जस्ट इसे ऑन करना है सो दैट यहाँ पे इसकी शेडो आपको देखने को मिलेगी कुछ इस टाइप से। अगर आप यहाँ पे इसे चेंज करते हैं रे ट्रेस में, सो यहाँ पे शेडो का जो एक क्वालिटी है वो यहाँ पे थोड़ी इन्हेंस हो जाती है। आप यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक 0.5 कर देते हैं, अदरवाइज आप इसे 0.6 कर दो आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो आप यहाँ पे गाइस देख सकते हैं कि हमारा मॉडल यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे प्लेस हो गया है, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। अब हम थोड़ी यहाँ पे लाइटिंग कर लेते हैं। सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ एक लाइट, राइट क्लिक करेंगे न्यू देन लाइट और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ एक एम्बियंट लाइट, कलर मैं पिक कर रहा हूँ अपने एनवायरमेंट से, ओके प्रेस कर रहे हैं। इसके बाद मैं एक लाइट और ले रहा हूँ जस्ट पॉइंट लाइट कुछ इस टाइप से, इसका कलर मैंने ब्लैक कर दिया। सो मैं इसका कलर अभी अगेन जा रहा हूँ लाइट ऑप्शंस में, इसका कलर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वाइट जस्ट कुछ इस टाइप से, ठीक है। और पॉइंट लाइट में गए, इसका कलर मैंने कर दिया प्रॉपर वाइट कुछ इस टाइप से, ठीक है। इसके बाद मैं एक यहाँ पे लाइट ले रहा हूँ जस्ट अगेन न्यू लाइट और यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ जस्ट
पैरेलल लाइट, और यहाँ से मैं ले रहा हूँ कुछ इन्वायरमेंट का लाइक ग्रीन कलर, या तो यहाँ से इसे पिक कर लेते हैं कलर को। आई डोंट नो कलर यहाँ पे पिक क्यों नहीं हो रहा है। मैं अप्रोक्सीमेटली कुछ इस टाइप से यहाँ पे ले रहा हूँ, लाइक दिस। ठीक है, और पी प्रेस कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे इसकी पैरेलल लाइट की पोजीशन यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से। ठीक है, सो लाइट हम यहाँ पे यूज कर लिए। इसके बाद क्या करेंगे, अगेन मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ एलिमेंट के ऊपर, और वापस जा रहा हूँ मैं सीन सेटअप के ऊपर। और सो यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ एक इन्वायरमेंट। सो प्रीसेट्स में जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा इन्वायरमेंट, और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ अभी गार्डन का इन्वायरमेंट। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस टाइप से इन्वायरमेंट आ गया है। सो बेसिकली यहाँ पे रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज मिलती हैं इनकी रिफ्लेक्शन की कुछ इस टाइप से। अदरवाइज आप यहाँ पर जाओ फिजिकल इन्वायरमेंट में, और यहाँ पे इसका एक्सपोजर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब गाइस इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है फॉग, और यहाँ पे इसे करेंगे अनेबल। और अगर आपको यहाँ पे इसे फॉग चाहिए, आप जस्ट इन्वायरमेंट का आप कोई भी यहाँ पे पिक कर लो कुछ इस टाइप से, जो भी कलर आपको यहाँ पे रखना है। ये गाइस बेसिकली फॉग का मतलब यहाँ पे ये होता है कुछ हेज टाइप का, इट मीन्स इन्वायरमेंट का कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे इसमें रिफ्लेक्शन पड़ेगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे प्लेन को कंपोजिट कर दिया है यहाँ पे इस ग्राउंड के ऊपर। इसके बाद आप लास्ट में जस्ट आप यूज कर सकते हैं कुछ कलर करेक्शन। सो इसे टॉप में लेके जाओ, इसके ऊपर अप्लाई करो कर्व्स, और कर्व को इसके ऊपर जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करो। सो यहाँ पे कर्व्स को आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हो। सो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा लास्ट में, वो ये है। सो गाइज अभी मैंने आपको जो ये वीडियो शूट कर रखी है, ये यहाँ पे काफी सिंपल है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे जो इसका भी ग्राउंड है, यहाँ पे हमें जस्ट यहाँ पे इजिली हम इसे देख सकते हैं, और यहाँ पे हमने इसके जो ट्रैक पॉइंट्स थे, हमें यहाँ पे इजिली ग्राउंड के ट्रैक पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, लेकिन अगर जब आप कोई कॉम्प्लिकेटेड शॉट आप यूज करते हो, ठीक है, सो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि आपके यहाँ पे जो ट्रैक पॉइंट्स होते हैं वो आपको सही से यहाँ पे मिलते नहीं है। सो इन दैट कंडीशन आप क्या करते हो, आप कुछ पॉइंट्स आपने साइड से उठा लिए, कुछ आपने यहाँ से उठा लिए बॉटम से, कुछ आपने सेंटर से उठा लिए। ठीक है, सो आप उन पॉइंट्स को रैंडमली यूज करते हो। सो उसके बाद हम यहाँ पे जस्ट गए थे स्टार्टिंग में, जस्ट यहाँ पे टॉप व्यू में हमने यहाँ पे पॉइंट्स को स्केल किया 100 से 10%। उसके बाद हम यहाँ पे गए थे फ्रंट वाले ऑप्शन में। ठीक है, सो बेसिकली जब भी आप यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड शॉट को यूज करते हो, सो इन दैट टाइम ध्यान रखना आपको इसके पॉइंट्स को लाइन में टच करना है। ठीक है, अगर पॉइंट्स लाइन में टच नहीं हो पा रहे हैं, सो इन दैट कंडीशन आप उसको लाइन के आसपास लेके आओ, सो दैट जो हमारा कैमरा होगा वो ग्रिड के ऊपर आ जाएगा। सो इस कंडीशन में क्या होता है गाइस, यहाँ पे जो हमारे पॉइंट्स थे वो ऑलरेडी हमारे पॉइंट्स ग्राउंड में थे, सो इसीलिए हमें यहाँ पे ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आई। ठीक है, लेकिन कभी भी अगर आप कोई भी शॉट को यूज करते हैं, सो अगर आपको प्लेन में कुछ पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, सो इन दैट कंडीशन आप पॉइंट्स कहीं से भी लो, उससे मैटर नहीं पड़ता। बट मेक श्योर आप जब इसको यहाँ पे फ्रंट में जाओगे, सो उन सारे पॉइंट्स को आप इस वाली लाइन के ऊपर ले आना, इस ग्रिड के ऊपर ले आना, सो दैट आपके जो मॉडल होगा वो प्रॉपरली वहाँ पे आ जाएगा। अगर आप इसको प्रॉपरली नहीं करते हो, सो आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, वो ये है कि आपका मॉडल बार बार हिलेगा डुलेगा। ठीक है, सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। आई होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो समझ में आई हो। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसके अलावा कुछ भी डाउट्स होते हैं वीडियो के रिगार्डिंग, सो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए गाइज टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।